आप कांग्रेस की राजनीति को बड़े पास से जानते हो जी, क्या कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला है या कोई ऐसा कोई लिखित में कोई आदेश इस टाइप का है कि जिसमें कहा जाता रहे कि दो बार हारने वालों को टिकट नहीं? अगर मैं हरियाणा की बात करूं जी, कि अगर ये कह दें कि दो बार चुनाव हारे तो इनको कंसीडर ना किया जाए, दो बार तो कांग्रेस भी चुनाव हार गई। एक बात और सुरजेवाला जी, हरियाणा में आपको लग रहा है कि कांग्रेस की कोई गठबंधन की गुंजाइश किसी के साथ है क्या अभी? क्या कुमारी शैलजा चाहती है चुनाव लड़ना विधानसभा का जी, और दीपक बावरिया ने कह दिया किसी सांसद को चुनाव नहीं लड़वाएंगे, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो जो राज्यसभा के मेंबर हैं और चाहे कुमारी शैलजा हो या और सांसद हो। बावरिया साहब का स्टेटमेंट कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, वो ना तो हाईकमान है और ना वो प्रभारी जरूर है। क्या लगता है कांग्रेस की टिकटों में चल क्या रहा? आज मैं खबर पढ़ रहा था कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो चल रही है हाँ। उसमें 30-40 नाम, उसमें भी कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा 55 उनके फाइनल हो गए, इनके बता रहे हैं 30-40 फाइनल हो गए। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा इस समय पूरी तरह चुनावी मूड में है। चुनावी मूड के अंदर अगर बातें हैं तो सारी चुनाव की हैं। चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ टिकटों की टकटकी है तो दूसरी तरफ और मुद्दे भी हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक खास मुद्दा है, कांग्रेस के अंदर एक मुद्दा ये चल रहा है, तमाम आप पोर्टल पर देखें, तमाम अखबारों में देखें तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर या मीडिया में आपको एक बात दिखेगी कि जो दो बार चुनाव हारे, या आपको दिखेगा जिनकी किसी चुनाव में जमानत जब्त हुई, या ये आ जाएगा कि अमुक क्षेत्र में अमुक गोत्र अमुक पाल, ये सारी बातें चल रही हैं। इन सबका कितना इम्पैक्ट है, आखिर इनके पीछे बात क्या होती है और ये बातें चलती कहाँ से हैं? कुछ ऐसे विषयों को लेकर के हम मौजूद हैं स्टूडियो में, और मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी, सीधे सीधे सवाल पे आता हूँ। कांग्रेस के अंदर एक बात चल रही है जी, आप तमाम सोशल मीडिया पोर्टल पढ़ लें जी, वेबसाइट्स पर देख लें जी, अखबारों में देख लें, एक बात चल रही है कि एक सूची तैयार है, जो लोग दो बार चुनाव हार गए उनको कांग्रेस टिकट नहीं देगी। आप कांग्रेस की राजनीति को बड़े पास से जानते हो जी, क्या कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला है या कोई ऐसा कोई लिखित में कोई आदेश इस टाइप का है कि जिसमें ये कहा जाता रहे कि दो बार हारने वालों को टिकट नहीं? नहीं, ऐसा ना तो कोई ऐसा नियम, ना कोई पार्टी का उपनियम, और ना कोई पास्ट में कोई ऐसी प्रैक्टिस रही हो। ये तो एक चर्चा है और एक सोच हो सकती है पार्टी के अंदर, जब टिकटें का फाइनल या कोई होता है उस वक्त ये सोच लिया जाता है कि भाई फला आदमी दो चुनाव हार चुका, या विरोधी जो टिकट का दूसरा जो टिकटार्थी है वो कह देता है ये तो दो बार हार गए जी, तो उसको कमज़ोर करने के लिए तो हो सकता है। बाकी ऐसा कोई फाइनल या कोई डिसीजन या कोई ऐसा वो नहीं है पार्टी का, ऐसे पहले भी मिलते रही है। मतलब ये मान सकते हैं कि किसी नेता का विचार हो, विचार एक किसी विरोधी व्यक्ति का विचार हो। हाँ, राजीव जी के टाइम पे, राजीव गांधी जी के समय में ऐसी चर्चाएं कुछ नियम से बनाने के उन्होंने प्रयास किए थे। नरोरा कैंप के नाम से वो बड़ा मशहूर हुआ था कि भी पार्टी के अंदर कुछ ऐसी नैतिकता और इस तरह के कुछ वो रखे जाए जिससे कि हम एक अच्छा स्वच्छ संदेश दें लोगों में, स्वच्छता हम रखें राजनीति में। आजकल बड़ी राजनीति के बारे में आम जनता में ये धारणा है, जो भी कोई बात होती है ना गलत हो तो भी कहेंगे बाबूजी यही तो राजनीति है, यानी गलत का नाम राजनीति या गंदगी का नाम राजनीति नहीं, कम से कम मैं तो नहीं मानता, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। हाँ, राजीव गांधी के समय में मैंने बताया कि नरोरा जो कैंप हुआ था उसमें ये बात का तय हुआ था कि कुछ ऐसे मापदंड ऐसे रखे जाए, पैमाना है, तो उसी के कड़ी में ऐसा कुछ ये विचार सा तो है, प्रेफरेंस तो दी जाती है उसको कि भाई ये दो बार आ रहा है तो उसका कुछ कमजोरी तो आती है, लेकिन ये कोई फाइनल या ऐसा कोई डिसीजन नहीं है पार्टी का। पहले भी टिकटें मिली, आगे भी मिलती रहेंगी, हमारे एसी चौधरी साहब को मिली है दो बार हारने के बाद टिकट। अगर मैं हरियाणा की बात करूं जी, कि अगर ये कह दें कि दो बार चुनाव हारे तो इनको कंसीडर ना किया जाए, दो बार तो कांग्रेस भी चुनाव हार गई। हाँ, वही तो कह रहे, फिर तो कांग्रेस भी कंसीडर नहीं होगी क्योंकि वो खुद ही पूरी पार्टी चुनाव हार गई। अगर हाँ, तो बहुत से लोग हैं जिनको फिर भी लड़ेगी जी। अब ये किस पार्टी में है? अब कांग्रेस में शुरू में एक बात आई थी कांग्रेस प्लान,
उसमें बाद में लोगों ने कहा कि वो तो कुछ जो पार्टी के अंदर सीनियर लीडर थे जिनको उस वक्त सिंडिकेट कहा जाता था, अतुल्य घोष, पीसी सेन और आपके मोरारजी देसाई, तो नेहरू जी के ये था कि ये कुछ बड़ी उम्र के लोग हैं और ये कुछ पार्टी में उनको विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती, कहते हैं उनको हटाने के लिए वो कामराज प्लान लाए थे। हाँ, मतलब जिनकी एज ज्यादा हो गई, हाँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी में हुआ। अब वो मंडल कौन सा है, वो निर्णायक मंडल, मार्गदर्शक मंडल हाँ। उसमें डाल दिया जाता है। क्या अब ये मोदी जी पे लागू होगा? सोचने वाले वही में आज मोदी जी 73-74 साल के हो गए, क्या ये अगले साल छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल भी रास ना पास। बहुत सारे नाम ऐसे अब भी जिनको टिकट दिया गया, जो 2024 का चुनाव लोकसभा का हुआ, वो श्री धरन साक्षी महाराज हैं। श्री धरन जो थे, श्री धरन हुए केरल में 85 साल के। उसके अलावा आप चलें तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर कई नाम ऐसे। अच्छा, फिर ये था कि जी हम अपने परिवार जगदम्बिका पाल को टिकट दिया, परिवारवाद नहीं बढ़ाएंगे। आपके बहुत से हैं, अब तो राजनाथ को और सुषमा स्वराज की बहन को, इनको सबको टिकट दी। अब हरियाणा में जो चुनाव होना है, सुरजे वाला जी, इसमें तो कोई नियम ही नहीं है ये कि परिवार को चुनाव वगैरह, भैया परिवार को पहले लड़ाओ। बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हैं ना, पार्टी ऐसे अब जैसे वो था 15 लाख का, अमित शाह ने कह दिया वो तो पार्टी के चुनाव में एक जुमला था। अब वो आया था कि वो गारंटी, मोदी की गारंटी है, अब उस पर भी अमित शाह ने कह दिया गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती, ये चुनावी मसले हैं, ब्याह के गीत हैं, ब्याह के गीत हैं, तो ब्याह में गाए जाएंगे सब। ब्याह के गीत को सच्चा भी नहीं माना जाना चाहिए, ब्याह के गीत की, ब्याह की गाली का ना बुरा मानना चाहिए ना सच मानना चाहिए। वही बात है, अब ये कोई ऐसा नियम नहीं है जिससे, पहले भी मिला है और अब भी होता रहेगा। हाँ, कंसीडरेशन हो जाती है, हाँ थोड़ा सा बात चल सकती है, हाँ चलती है, वो तो नो डाउट। क्या लगता है कांग्रेस का फॉर्मूला क्या होगा आपकी बार टिकट वितरण में? विनिंग प्रोस्पेक्टस हमेशा रहा है, इस बार और भी रहेगा, इस बार और भी रहेगा। 10 साल का सूखा है कांग्रेस के सामने, बिल्कुल सर्वाइवल का सवाल है, सर्वाइवल का सवाल है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात जो बीजेपी करती रही है, उसका मुकाबला करना है। तो जो है ना, बीजेपी को इस बात का ये कहा जाता है कि बीजेपी ही कांग्रेस युक्त हो गई, उनके पास तो अपने कोई है ही नहीं। जी, तो क्या लगता है कांग्रेस की टिकटों में चल क्या रहा है? आज मैं खबर पढ़ रहा था कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो चल रही है, हाँ, उसमें 30-40 नाम, उसमें भी कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा 55 उनके फाइनल हो गए, इनके बता रहे हैं 30-40 फाइनल हो गए। जी, एक बात और सुरजेवाला जी, हरियाणा में आपको लग रहा है कि कांग्रेस की कोई गठबंधन की गुंजाइश किसी के साथ है क्या अभी के? नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की चल रही है कि पहले गोपाल कांडा के अरोपा के साथ, अब आरजेडी वाली बात आ गई है, आरएलडी वाली, आरएलडी अजीत सिंह के बेटे जो जयंत चौधरी की पार्टी है, उनके गठबंधन की बात चल पड़ी है, उनकी कहते हैं उनको 2 सीट उनको भी देने का चर्चा है, 1-3 जो भी देंगे, बात की बातें हैं, वो भी बुक्के शुक्के लेकर के गए हुए थे अमित शाह जी के पास में कल। जी, तो कांग्रेस में भी कोई लग रहा है कोई ऐसी गुंजाइश है? कांग्रेस का भी नहीं, दबी कुछली बात आ जाती है, आम आदमी पार्टी से कहीं समझौता हो सकता हो? नहीं, ऐसा नहीं, कोई समझौता नहीं हो सकता। क्या समझे कांग्रेस की टिकट आप क्या मानते हैं, कब तक आ सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए, आज स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग थी और कल भी हो रही है, इसके अंदर ये नाम जहाँ पीछे भी हुआ है कि भी पहले तो 3 नाम का पैनल भेज दिया करते हैं, कई बार 4-4 का भी चला जाता है, और पार्टी की शीर्ष नेताओं का ये इशारा है कि भाई ये अगर हमने ही करना, फिर स्क्रीनिंग कमेटी किस बात की है? ठीक बात है, आप स्क्रीन करके भेजो, बिल्कुल, फिर भेजो, छान के भेजो, एक नाम भेजो, 2 भेज दो, इससे ज़्यादा ना कोशिश की जाए। तो ये अब स्क्रीनिंग कमेटी कर रही है, तो आज और कल कर लेंगे उसके बाद, और अभी तो 5 तारीख नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ, और हमेशा पास्ट प्रैक्टिस यही रही है कि जब नोटिफिकेशन जारी होता है, नॉमिनेशन शुरू हो जाते हैं, तभी पार्टियाँ टिकट बांटती हैं, उससे पहले एक डर रहता है ना जी, कि जिनको अब टिकटार्थी तो बहुत है, कांग्रेस के 2,500 आदमी के करीब है जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, बहुतों ने फार्म भरे, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने फार्म नहीं भरे, वो भी इस दौड़ में है। तो ये है कि अगर हर हल्के में कहीं 40 है, कहीं 35 है, तो वो जिसको टिकट तो एक को मिलना ना, दूसरे कहीं किसी दूसरे दल में ना चले जाए और ना हो, बिल्कुल खामखाम उससे कमजोरी होगी, रोका जाए आखिर तक।
सुरजेवाला जी, एक बात और बहुत चल रही है जी, खासकर कांग्रेस की जी। कुमारी शैलजा चाहती हैं चुनाव लड़ना विधानसभा का जी, और दीपक बावरिया ने कह दिया किसी सांसद को चुनाव नहीं लड़वाएंगे, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो जो राज्यसभा के मेंबर हैं, और चाहे कुमारी शैलजा हो या और सांसद हो। कुमारी शैलजा कह रही है कि चुनाव लड़ना है विधानसभा का जी, क्या लगता है आपको ये क्या सब चल रहा है? देखिए, बावरिया साहब का स्टेटमेंट कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। वो ना तो हाईकमान है और ना वो प्रभारी जरूर है। हाँ, उन्होंने जो बयान दिया था वो आधा अधूरा बयान था, और उसके बाद 24 घंटे में उन्होंने कह दिया कि बगैर चुनाव लड़े भी कोई सीएम का चेहरा हो सकता है। हाँ, मतलब कोई ऐसा ना उम्मीद ना हो जाए कि अगर मैं चुनाव नहीं लड़ पाया और मैं सीएम नहीं बन पाऊंगा। ये पहले भी होता है, भूपेंद्र हुड्डा 2005 में बने, जब वो कौन से वो थे सांसद थे, वो सांसद थे तो पहले भी होता रहा यार अभी, और ये कोई वो थोड़े ही है। हमारे मनोहर नायब सैनी जो बड़े अब सांसद थे, वो भी सांसद थे, तो ये तो कभी किसी पर लागू नहीं होता। तो ये कोई वो नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़ता हो, या उनका बयान से तो स्पष्ट हुआ है जी। जैसे मैंने कहा ना, वो आधा अधूरा बयान था। ये जरूर है पार्टी की सोच है, और आम जो पार्टी के शुभ चिंतक है उनकी भी सोच है कि राज्यसभा की सीट या लोकसभा की सीट जो चुनाव अभी जीत कर गए हैं, दो बातें हैं। एक तो अननेसेसरी खामखा का एक्सपेंडिचर, ठीक बात है बिल्कुल। दूसरा ये है कि भाई वो सीट दोबारा मिले ना मिले जी। अब राज्यसभा की सीट देख लीजिए आप, हाँ दीपेंद्र हुड्डा ने खाली की, दूसरी पार्टी को चली, भाजपा को चली गई। अब रणदीप सुरजेवाला जी की बात करें तो राजस्थान से वो सांसद है, भाजपा मेजोरिटी में है, वहाँ भाजपा है, वो सीट है, वो नेचुरल है, वो बीजेपी को जाएगी, बीजेपी चली जाएगी। तो इस तरह से सीट को खराब करना ये उनका इशारा था जी, कि भाई इस तरह से। और इस बात पे बहुत चर्चा हुई कि दीपेंद्र को लड़ाया जाए ना लड़ाया जाए। बहुत देर के बाद उनको चुनाव लड़वाया गया, लोकसभा का काफी चर्चा रही, काफी चर्चा रही। तो ये उस नजरिए से उनकी वो था कि भी हम सीट ना खराब करें जी। अब उस बात को अब बीजेपी ने तो ये भी कहा है कि कांग्रेस कुमारी शैलजा का नाम घोषित क्यों नहीं करती। हाँ, मैं वही आ रहा था, ये पूछे कि भाई आपको दूसरे की। और फिर शाम को वो जो उन्होंने वो जारी की थी ना पोस्ट पार्टी की तरफ से विधिवत, शाम को उसको डिलीट कर दिया। क्या बताना चाहते हो आप, क्या कहना चाहते हो आप? मतलब जो उन्होंने शैलजा को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने की मांग वाली पोस्ट थी एक्सपर, वो सिर्फ ये है कि भाई दूसरे के घर में फूट कैसे डाली जाए, वो उनका ये था। ये अगर ये बात है तो अगर दलित का इतना ही हो, बीजेपी को इतनी हमदर्दी हो और वो चाहते हैं तो समर्थन कर दें, वो खुलम खुला शैलजा जी का समर्थन कर दें, हम भी साथ हैं, एक बात। वरना वो चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना वो इनके पास एक बहुत ही नायब हीरा अशोक तंवर, उसको क्यों ना घोषित कर देते बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ वो कह दिया हमने ओबीसी दे दिया चेहरा पहले ही, वो कह रहे हमने ओबीसी दिया, आप एससी बात कर रहे हो, वो कह रहे हमने ओबीसी दिया आप एससी। तो ओबीसी में तो इंद्रजीत पहले तैयार बैठे थे, जो हर लिहाज से कॉम्पिटेंट भी थे और उम्मीद भी किए हुए थे, तो वो ओबीसी नहीं थे क्या भाई? उनसे पूछा जाए क्या इंद्रजीत ओबीसी नहीं थे क्या? ये एक एक जाति विशेष से ही ओबीसी का सारा प्रतिनिधित्व हो गया क्या? ये तो नहीं मान सकते आप जी। ओबीसी का मतलब ये थोड़ी है कि भी एक सैनी जाति को आपने ओबीसी, क्या इन्होंने कांग्रेस को इस सवाल से बैकफुट पे नहीं ला दिया कहीं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो उल्टा उल्टा बीजेपी को नुकसान हुआ, जो उन्होंने डिलीट करनी पड़ी अपनी, कांग्रेस को इससे क्या नुकसान हुआ? चलिए अंतिम सवाल पे आते हैं सुरजेवाला जी। बड़ी ये चर्चाएं रहती हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है जी, आपको क्या लग रहा है कि गुटबाजी है, और क्या टिकटों पे इसका कितना असर पड़ेगा? शैलजा, हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, उदय भान और तमाम छोटे बड़े कैप्टन अजय नेता, इनमें क्या टिकटों का वितरण होगा या पार्टी हाईकमान फैसले करेगी? सर देखिए, पार्टी हाईकमान तो फाइनल अथॉरिटी है, वही करेगी, करती आई है। जहाँ तक गुटबंदी का, गुटबंदी नहीं कह सकते इसको, पार्टी के अंदर हमेशा ही इस तरह के धड़े रहे हैं। ये तो कांग्रेस का जब से बनी है, 1905 में भी कांग्रेस डिवाइड हुई थी नरम दल गरम दल के अंदर जी। बाद में गांधी जी आ गए थे, जिनका वर्चस्व बहुत था, जिनका कद बहुत बड़ा था, तो गांधी जी के समय भी और बल्कि उनका तो ऑफिशियल कैंडिडेट हार गए थे।
नेताजी सुभाष जो थे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे और महात्मा गांधी जी के जो नुमाइंदे थे पुरुषोत्तम दास टंडन वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हार गए थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, इस वक्त जो मोमेंट चल रहा है, जो देश में आज़ादी की जो एक बिगुल बजा है, जो एक फूंक लगाई है, वो गांधी जी का देन है और इनका कहीं इस बात से सेटबैक ना पहुंचे, उन्होंने खुद अपना उस पद से त्याग दिया और गांधी जी को वो भागडोर सौंप दी। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमेशा रहा है, मतलब गुटबाजी का कोई टिकट वितरण पे कोई फर्क नहीं, गुटबाजी हमेशा रही है, कांग्रेस वाला तमाम फैसले करेगी, नेहरू जी के समय भी रही है, लोग फिर कुछ उछाल भी देते हैं, पटेल धड़ा, नेहरू धड़ा, अडवाणी धड़ा, अटल धड़ा, हरियाणा में भी कौन सा नहीं है, विज धड़ा, रामविलास धड़ा, आपका ओम प्रकाश धनखड़, कहीं विपुल गोयल, कहीं आपका कृष्ण पाल गुर्जर, कहीं वो अभिमन्यु, तो ये हर जगह है और ये तो चलता रहता है। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है पहली सूची भाजपा की आएगी या कांग्रेस की आएगी कैंडिडेटों की? देखिए ये तो वक्त बताएगा, बाकी लगता है कि शायद बीजेपी की, जैसे आज जो घटना घटी थी उससे लगता है कि शायद बीजेपी की तो तैयार है, आराम से दे देंगे वो भी। हाँ, एक सूची तो पहले आ ही जाएगी। चलिए, यूँ देखा जाए तो कांग्रेस की तो मैं तो ये कहता हूँ 55-60 सीटें तो इनकी तय है, कांग्रेस की भी तय है, वो कभी भी अनाउंस कर सकते हैं, कर देनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। अब आप फरीदाबाद जिला ले लीजिएगा, ऑलमोस्ट टिकटें कांग्रेस की तय है सारी लगभग, फरीदाबाद मुझे लग रहा है 9 के 9 तय है लगभग, 4-5 सीटों पे, दो सीटों पे हो सकता है कोई विचार मंथन हो जाए तो। हाँ, चार पांच सीटों पे दो नाम होंगे और बाकी 4-5 पे सिंगल नाम। हाँ, यही है सीधा, बिल्कुल है। तो ये है देवेंद्र सिंह सुरजेवाला, जो बड़े विस्तार से सारी बताया कि कांग्रेस के अंदर और भाजपा में क्या चल रहा है, किसकी लिस्ट पहले आएगी, कौन पहले अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करके बाजी मारेगा। आपको क्या लगता है कि पहले सूची भारतीय जनता पार्टी की आएगी और या फिर कांग्रेस अपने कैंडिडेट पहले डिक्लेयर करेगी? ये चुनावी दौर है और चुनावी दौर में चुनावी बातें लगातार आपके साथ जारी रहेंगी, बस आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।